ओ भाई साहब, किसी ने गलत रास्ता बता दिया यार हमको। एकदम ठंडक ठंडक वाला माहौल इसके पीछे का पूरा सच आज ब्लू नहीं है पान। तब प्यारा बिल्लोटा कहीं देखा आपने? ओ भाई साहब, बरसात हो गई है। और तेरी आँखों का क्या हाल? क्या आपको पता है इन्हें तो गुस्सा चल रहा है। हाय गाइस, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो फिर से आ गए हैं सुबह का राम राम, नए व्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। तो यहाँ हम रुके थे, आपको रात को सब कुछ दिखा दिया था, ये मंदिर वगैरह। चार भुजा जी का मंदिर कल रात को बंद था, जो कि आपने पूरा देखा नहीं हो, तो अभी सिर्फ दर्शन कराएंगे। मंदिर हमारी पिछली वाली वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो अभी चलते हैं चार भुजा जी के दर्शन करते हैं, फिर बाण माता के दर्शन करेंगे। काफ़ी लेट हो चुके हैं ऑलरेडी, 7:30 बजे उठे, 8 बजे नहाए हैं, बहुत लेट लतीफ़ लोग हैं। पर अभी देखते हैं, चार भुजा जी के शांति से दर्शन करते हैं, घुमाएंगे आपको आराम से। आरती चल रही है, सही टाइम पे आए हम। भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है, लेट हुए तो भी आरती देखने को मिल जाएगी हमें। छोटी सी तोप है, दिख रही? मसाला जलाने के लिए जो है ना, ये जो दिख रहे हैं इसमें से मसाले जलते हैं। वहाँ मसाला, वहाँ मसाला बहुत है। सब मसाला रखने का ही है। और बारिश आ गई अच्छी खासी, अब एक और ट्रेस डे हमारे सामने। कल देखो, कल रात को उसका बिल्लू के लिए दूध नहीं मिला। दूसरी बात, रात को भी बरसात हो रही थी पर इतनी नहीं हो रही थी, हम कमरे में जाके सो गए। और अभी फ़िलहाल अच्छा खासा मौसम है यहाँ पर, बरसात हो गई है। अब सामान की ट्रेस डे और आ गई है कि सामान कहाँ रखेंगे, देखते हैं। चाह है तो राह है, अभी चलते हैं हम रूम, या तो खाली करेंगे या तो बाण माता जाएंगे। सब आपको आगे वीडियो में देखने को मिलेगा। डॉगी मारा। तो फाइनली हम आ चुके हैं बाण माता जी मंदिर। अरे यार, भीड़ है निकली, हम सुबह सुबह बाण माता जी मंदिर में जबरदस्त भीड़ है भाई साहब। यहाँ पे हम सब लाइन में लग गए, कितनी भीड़ है देखो यार। यहाँ पे बाण माता पे जोड़ा है नया नवेला, जल सेवा हो रही है उनकी। छोटी वाली है।
बोल बाण मातेश्वरी की। काफी पुराना मंदिर है। सबको मिल रहा है ये? माण माता मंदिर सेवा संस्थान की तरफ से बहुत ही अच्छा निःशुल्क खाने की व्यवस्था है। ऐसा का बुफे है, देखिए। क्या आपको पता है? अरे पता है क्या? नहीं पता ना, मैं बता रही हूँ। हमारे चैनल के पास जो आपको सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा है उस पर अगर आप प्रेस करते हो तो हमारे आने वाली हर नई वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। साथ में बेल आइकन पे आपको क्लिक कर देना है ताकि आपको नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके और फटाफट जाके हमारी सारी वीडियो देखनी है, क्योंकि यार मेहनत बहुत लगती है। देखते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो तो अच्छा नहीं लगता। बाकी लोग अगर कुत्ते बिल्ली कुछ भी दिखाते हो तो आप सब्सक्राइब करके चल जाते हो, हमारी क्यों सब्सक्राइब नहीं करते हो यार? मेहनत कर रहे हैं हम लोग, जल्दी से सब्सक्राइब करो, हमारी फैमिली का हिस्सा बनो। जय हर्ष वाइफ्स पे आप इंस्टाग्राम पे भी हमको फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे हमारा लेटेस्ट न्यू कंटेंट शॉर्ट्स में आता है और बड़ी वीडियोस के लिए है ना यार ये चैनल। अब से हम भी कुत्ते बिल्ली दिखाएंगे तब आप सब नहीं दिखाएंगे, ओरिजिनल कंटेंट दिखाएंगे। बिल्ली तो अभी आपको दिखाते हैं, चलो बिल्ली बताओ इनको। एक मिनट, हमने जो बोला वो हम करके दिखाते हैं। देखो आपके लिए जो आप बोलोगे ना हम वो करके दिखाते हैं। देखो हमारे पास बिल्ली भी है, बिल्ली नहीं बिल्लोटा, ये देखो इतना प्यारा बिल्लोटा, कहीं देखा आपने? ये देखो धर्मेंद्र वाला कर दूंगी। श्री विद्यावासिनी शक्तिपीठ बिजोलिया भिलवाड़ा में एंट्री हो चुके हैं। ये कितना सुंदर मुर्गा, देखना। वाह यार तू भी फुटेज खा रहा है। ओ भाई साहब पूरे पेड़ पर, ये देखो मेला लग रहा मुर्गों का, शानदार। मुर्गों का राजा कड़कनाथ मिल गया हमको, कड़कनाथ मिल गया। Thank you.
भी हैं जो हमारे फैमिली के, यानी कि मेरी फैमिली के। तो वहाँ जाने के लिए हमने बिजोले के अंदर इंटर किया था और बीच में हमें शक्तिपीठ दिखाई दिया है विंध्यवासिनी माँ बिजोलिया के अंदर, भीलवाड़ा में बिजोलिया के अंदर। तो कपड़े तो मैंने ऑलरेडी चेंज कर लिए थे लोअर टी शर्ट पर, मन में भावनाएं अच्छी हो रही थी तो पता नहीं था हमें इस शक्तिपीठ के बारे में। रास्ते में दिखा था, हम रुक के और यहाँ दर्शन किए, आपको भी कराए दर्शन। तो गाइस अभी हम बिजोलिया, जैसा आप देख सकते पीछे है मंदिर है विंध्यवासिनी मंदिर बिजोलिया, यहाँ पर है भीलवाड़ा में। अभी दर्शन करके निकले, बहुत ही सुंदर मूर्ति है और इतने सारे मूर्तियाँ छोड़ रखे हैं यहाँ पर, मन्नत मांगते होंगे तो मुर्गे काफ़ी हैं यहाँ पर। और बहुत अच्छा मंदिर है, अगर आप यहाँ से गुजरे बूंदी के रास्ते पर पड़ता है बीच में, तो ज़रूर एक बार विजिट करें, बहुत ही अच्छा मंदिर है और बहुत ही अच्छी मूर्ति है, प्राचीन मूर्ति है ऐसा है, तो एक बार ज़रूर विजिट करें। थैंक यू। बिजोलिया का मार्केट है ये देखिए, ये देखिए। और अभी हम आए चाय की चुस्कियाँ लेने, चाय कहीं दिख नहीं रही है, चाय कहीं नहीं दिख रही है, बस आधा किलोमीटर ऐसे चला के लिए चाय के चक्कर में, और पीछे तीन चाय की दुकानें छूटी थी। चाय टाइम। क्या लोकेशन मिली है, देखो धीरे धीरे बीचों बीच सड़क के बीचों बीच में एक ये अच्छा सा तालाब है, मंडोल का तालाब। लोकेशन तो यही आ रही थी गूगल मैप पे, और ये महारानी उतर गई है। ओ कपड़े वपड़े कहाँ हैं छपा छप करने के लिए, देखिए चप्पल भी नहीं पहने यार। आज ब्लू नहीं है, पानी 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 पानी, आज मटमेला है, पानी पानी पानी। आज आज कर छप 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 छप, हंसी हंसी है ये बाजिया कह रही है चिड़िया, और मेरी बैंडेज खुल चुकी है, फेंक दो इसको। अवैध मच्छी मार आ चुके हैं वो भाई साहब, या मच्छी अच्छी नहीं पकड़ सकता, ये आ गए नहाने के लिए। देखो मैं तो कपड़े धोने आई हूँ, मैं कोई ये चकोला खाने आई हूँ, कपड़े धोओगे अब यहाँ पे मम्मी जी क्या करें हैं, ये देखो। ओहो अरे भैया हम प्रोफेशनल धोबी लाए हैं हमारे इस टूर पे, ये देखो। ये सस्ता और अच्छा साबुन है ना, इसलिए इतनी मेहनत करा रहे हो। तुम्हारे घर में कितने परिवार रहते हैं, 15-16 परिवार, तो ऐसे घर क्यों कहते हैं, इसे जिला घोषित क्यों नहीं कर देते हैं। ये दो मछुआरे उधर बैठे हैं, कुछ तो है ना, एक बार ट्राई करो, डालो सही, ये बस हो गया काम। हाँ राजेंद्र सिंह जी ने साबुन इसके अंदर डाल दिया है, हाँ गया। कितनी बड़ी मछली है, नहीं देख रहा कितनी बड़ी मछली है उसमें, ये सारी मच्छियाँ ऊपर आ रही है और पापा कह रहे हैं तिलापिया है। अब समय आ गया इस खूबसूरत सी लोकेशन को बाय करने का, जो कि बिजोलिया क्रॉस होते ही आगे पड़ी थी। नहाए धोए तो हम है नहीं, हमने ड्राई क्लीन मारा है, कुछ शॉर्ट्स लिए हैं, बस इतना ही कुछ किया, कुछ भी नहीं किया, कपड़े धो के आए, सच्चाई तो ये कोई नाना धोना नहीं है, कपड़े धोए यहाँ पर, इतनी अच्छी लोकेशन, लोग सब्सक्राइब नहीं करते, झूठ बोल के पटाओ लोगों को, इतनी अच्छी लोकेशन पे आकर हमने कपड़े धोए। और वो कपड़े का है बताऊं क्या, बताऊं ये देखो ये हाल है भाई साहब। और ये कौन है, ये ठेकेदार है कपड़े सुखाने के। देखो गाइस इसके पीछे का पूरा सच ये है, गाड़ी के पीछे का, कि हमने ट्रिप प्लान की थी कि हमें ऐसी कोई ट्रिप करनी है कैंपिंग टाइप की, और पापा ने कहा था कि हाँ भाई मेरे हिसाब से चलेंगे। अब इनका हिसाब ये हुआ कि इन्होंने रात को बोला सुबह चलना है, तो सुबह ये गाड़ी लेके और हम निकल गए इस गंदी सी व्यवस्था के साथ, इसलिए हम गाड़ी के कोई शॉर्ट्स नहीं ले रहे हैं, ठीक है। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं और हमारे सब्सक्राइब अच्छे इंक्रीज होते हैं इस फालतू सी मेहनत के बाद, तो अगली ट्रिप बहुत अच्छी होगी, ऐसा वादा नहीं कर सकते पर हाँ अगर सब्सक्राइबर इंक्रीज होते हैं हमारी इस ट्रिप का, ले लो वो बुलडोजर चढ़ ही नहीं पाएगा, डैम शो की सेकंड ट्रिप आएगी। पॉलिटिशियन बनेगी, आया वादे बराबर कर रही पर निभाती नहीं, इधर आओ जरा, पॉलिटिशियन के गुण हाथ दो इधर, तो
पे हम पूरा एक्सप्लोर नहीं कर पाए थे क्योंकि फिलहाल हमारी जर्नी सारे देवी देवता और माता जी की थी, तो अभी वहाँ से निकलना पड़ा हमें। सुबह काफ़ी लेट हो गए थे। वैसे प्लान हमारा कल का था कि चित्तौड़गढ़ मतलब कंप्लीट करके हम यहाँ आके बूंदी रुकने वाले थे होटल वोटल लेके, पर पॉसिबल नहीं हुआ है। आज भी हम लेट हो गए। अब हमें आगे जो जहाँ जाना है वो डेस्टिनेशन भी चूक रही है, फिर कल हमें घर भी निकलना है वापस, तो इसलिए। पर नेक्स्ट ट्रिप में कोशिश करेंगे कि पूरा घुमा सके हम। अभी देखते हैं, भैरू जी देखते हैं फिलहाल। तो माता जी वगैरह की ट्रिप है, तो ये माता दी, ये देखिए गांव की खूबसूरती, एकदम ठंडक ठंडक वाला माहौल। होए होए, खेत के बीच में एक बड़ा सा पेड़, चावल की खेत है, और ये पेड़ कितना सुकून भरा लग रहा है कि मतलब लगातार पेड़ नहीं है, खेतों के बीच में डिस्टेंस में पेड़ दे रखे हैं। चावल की बहुत बड़ी फैक्ट्री है, लास्ट टाइम गई थी यहाँ पे। तो गाइस फाइनली हाईवे से होते हुए 15-16 किलोमीटर का अंदर जो रास्ता है, उस 15-16 किलोमीटर के रास्ते में हालत बहुत ख़राब हुई, क्योंकि रास्ता बहुत ख़राब था, लग लग के परेशान हो। फाइनली हम जो हमारे भैरू जी है मतलब जो वहाँ पहुँच चुके हैं, क्या भैरू जी नाम है इनका, बारिश हो रही है और प्रसाद हमने ले लिया, प्रसाद ले लिया है। अब आगे बढ़ते हैं, आपको और बताते हैं कि मंदिर कैसा बना हुआ है और भैरू जी के दर्शन कराते हैं। ये मंदिर पूछ रहे हैं, हमें हाईवे पकड़ना है। भैरू जी के दर्शन हो गए हैं, रत्या भैरू जी हैं ये, जो बूंदी के मतलब बूंदी के अंडर ही आते हैं। ओ भाई साहब, किसी ने गलत रास्ता बता दिया यार हमको, और अभी गाड़ी हमारी फंसती फंसती बची है, देख लो आप ये हाल है। और वापस हमें ये कुछ लोग मिले भले भाले, इन्होंने वापस बताया कि आप गलत रास्ते पर आ गए, तो हम वापस मुड़ के जा रहे हैं। और आज तो हमारी बैंड बजी जानी थी, देख सकते हो आप शाम हो चुकी है, और गूगल मैप ने भी घोड़े लगा दिए हमारे यार, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हुई। बाइक वालों ने बोला है आप हमारे पीछे चलो। मैजिक डांस में बैठे हुए हैं हम, मैजिक डांस समझते हो ना भाई साहब आप, वो गणगौर यार मेले के अंदर आता ना, वो सीटों की ऐसी तैसी हो जाती है, वही हाल है हमारी गाड़ी भी। भगवान आज तो जो भटके हैं इस गाड़ी के, तो अगरबत्ती लगा दूंगी मैं तेरे साथ, बहुत जुलम किया हमने, पर तुम्हें हमारे साथ नहीं छोड़ा। और लिटरली है ना वो बात सच हो गई कि जो मतलब खूबसूरत इंसान से प्यार नहीं होता, जिनसे प्यार होता है वो खूबसूरत लगता है। गाड़ी ने चित्तौड़गढ़ में जहाँ सभी गाड़ियों के धुएं निकल गए वहाँ पे भी साथ दिया, और इस घटिया रास्ते में भी साथ दिया, बहुत ओमनी बेस्ट है। तो इतना ख़राब रास्ता पकड़ने के बाद हम फाइनली लाखेरी में स्टे करने वाले हैं, क्योंकि रात की समथिंग 9 बजने आई है। और ये ढाबा है, काफ़ी पुराना ढाबा है एक्चुअली, मेरे पापा मतलब जानते हैं इस ढाबे को, ये इतना पुराना ढाबा है, तो इस हिसाब से हम यहाँ खाना खाने के लिए रुके हैं, पापा की पुरानी यादें ताज़ा करने के लिए, और सब अभी खाना खाने वाले हैं। 50 साल बाद हम वापस आए हैं, ढाबा बड़ा मशहूर ढाबा है, खाने मिले तो लसन नहीं, लसन मिले तो खाने नहीं।
उड़ाती है। ये देखो